हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील एसी भक्ति वेदांत शिला स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शिला गुरुदेव की हेतु की कृपा से बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है रंगीली गली। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर राधा और कृष्ण की होली लीला हुई है। तो ये होली लीला क्या है, इसको हम श्रवण करते हैं। इसको गोपाल चंपू में श्रील जीव गोस्वामी जी ने इस लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण जो है, अब आज होली का दिन आ चुका है, होली लीला खेलने के लिए कृष्ण जो है अपने सारे सखाओं के साथ प्रस्तुत होते हैं और इधर गोपियाँ और राधा जी सब प्रस्तुत होती है इस होली लीला को संपन्न करने के लिए। तो जो राधा जी हैं, राधा जी अपनी सारी सखियों के साथ अपना सारा यूथ लेके खड़ी है इस होली लीला के लिए, और एक तरफ दूसरी तरफ कृष्ण खड़े हैं। अब कृष्ण और इस तरफ गोपियों के बीच में बड़ा ही सुंदर होली की लीला होगी। तो राधा जी क्या करती हैं, राधा जी की लाखों लाखों सखियां हैं, उस तरफ कृष्ण खड़े हैं सखाओं के साथ। राधा जी की एक सखी राधा जी के लिए बड़ा ही सुंदर एक आसन लेके आती है रत्नों का। राधा जी उस आसन पर बैठ जाती है। अब कृष्ण अपने सखाओं को बोलते हैं, अरे ये क्या, राधा जी आसन पे बैठी है ऊंची और मैं नीचे खड़ा हूँ, मेरे लिए भी क्या लेके आया जाए, आसन लेके आया जाए। तो फिर कृष्ण के जो सखा है कृष्ण के लिए भी बड़ा सुंदर आसन लेके आते हैं, कृष्ण भी उस आसन पे बैठ जाते हैं। अब राधा जी की एक सखी क्या करती है, राधा जी के सर के ऊपर छत्र धारण कर लेती है। कृष्ण अपने सखा को बोलते हैं, भैया मेरा छत्र कहाँ है, मेरा छत्र भी लेके आओ। तो कृष्ण के सखा कृष्ण के ऊपर छत्र धारण कर लेते हैं। उसके बाद राधा जी की सखियाँ राधा जी को क्या करती हैं, चामर, कोई उनको मोर पंख, कोई राधा जी को चामा डुलाता है, कोई राधा जी को बड़ा ही सुंदर पंखा झुलाता है। तो कृष्ण के सखा भी क्या करते हैं, कृष्ण को मोर पंख से, चामर से और पंख से उनकी सेवा करने लग जाते हैं। अब राधा जी की जो सखियां हैं राधा जी की बड़ा ही गुणगान गाती है और राधा जी की महिमा गाना शुरू करती है। इधर कृष्ण के जो सखा है वो भी कृष्ण की महिमा गाना शुरू करते हैं। अब दोनों तरफ यूथ है, एक तरफ गोपियों का, एक तरफ गोपों का, और अभी दोनों में आपस में बड़ी ही होली की लीला ये संपन्न होगी। तो ये जो रंगीली गली है, आज भी हर साल ब्रज में जो नंदगांव और बरसाना की जो होली खेली जाती है इसी रंगीली गली में ही खेली जाती है। अब राधा जी अपनी एक द्यूति को भेजती है, वो संदेश लेके पहुँचती है कृष्ण के उस पक्ष में। तो जो राधा जी की द्यूति है वो आके समझाती है कि देखो राधा जी के सामने कोई छत्र धारण नहीं कर सकता, और राधा जी के सामने तो क्या पूरे ब्रज में ही किसी को अधिकार नहीं है छत्र धारण करने का, क्योंकि जो यहाँ की रानी है वो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। इसलिए आप इस छत्र को त्याग दीजिए, नहीं तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाइए। तो जो मधुमंगल है वो बड़ी तेज तेज की हंसना शुरू करता है। तो कृष्ण जब देखते हैं मधुमंगल हंस रहा है, वो द्युति बोलती है कृष्ण को, अरे ये तेरा सखा बहरा है क्या, इसको समझ में नहीं आती। अब मधुमंगल बड़ा क्रोधित हो जाते हैं। मधुमंगल कहते हैं, अब हम क्या डरते हैं युद्ध से, हमें कोई युद्ध से डर नहीं है, जाओ अपनी स्वामिनी को बोल दो युद्ध के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। और तुम कैसी गोपियां हो, तुम कपट गोपियां हो, क्यों, क्योंकि जो स्त्री होती है स्त्री कभी भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करती। स्त्रियों का जो अलंकार है वो क्या होता है बताया, वो तो फूल होते हैं, और तुमने क्या धारण किया हुआ है, अस्त्र धारण करे हुए हैं। तो तुम सब कपट गोपियां हो, इसलिए हम तुमसे युद्ध से डरती नहीं है। तो वो सखी समझाती है कि देखो कृष्ण, तुम्हारे जो सखा हैं वो तो बड़े अल्पबुद्धि वाले हैं, और तुम्हारे में तो कुछ बुद्धि है, तुम अभी भी समझ लो और युद्ध मत करो, इनकी बातों में मत आओ। तो जो मधुमंगल है और क्रोधित हो जाते हैं। मधुमंगल बोलते हैं, कृष्ण आप इसको बंदी बना के रखो जब तक मैं नहीं आ जाता, और मैं जाके सखियों को अब शांति दूत मैं बन के आता हूँ। तो वो बड़ा हंसने शुरू करती है सखी, कहती है देखा तुम्हें अपने मालिक पे भरोसा ही नहीं है, मैं निडर होके एक स्त्री होके अकेली तुम्हारे पुरुषों के बीच में आ गई, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन तुझे डर लगता है राधा जी के पक्ष में जाने से, इसलिए तू कहता है कि मुझे बंदी बना लो। तो यही तो बात है, जो मालिक होता है स्वामी के गुण उसके सेवक में आते ही हैं। तेरा स्वामी कैसा है डरपोक, इसलिए तू भी डरपोक, और मेरी स्वामिनी कैसी है निडर, इसलिए मैं भी निडर हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास है अपनी स्वामिनी पे, और तेरे को तो विश्वास भी नहीं है अपने इस स्वामी पे। तो वहाँ पे जो कृष्ण के सखा हैं उसको बोल देते हैं कि तुम रुको जब तक मधुमंगल नहीं आ सकते। मधुमंगल जाते हैं राधा जी के पास, और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, पूरी बात ही बदल देते हैं। कहते हैं देखो तुम्हारे यहाँ से एक द्युति आई है, और वो बोलती है कि तुम गोपियाँ हम गोप से शादी करना चाहती हो, कृष्ण से शादी करना चाहती हो। तो कृष्ण तो भैया गोपियों से शादी करेंगे नहीं, कृष्ण ने तो पहले ही मना कर दिया है। हाँ अगर तुम कहो तो हम कोई और गोप ढूंढ के उन गोपियों की तुम्हारी शादी करा सकते हैं। ललिता विशाखा इसको सुनते ही बड़ी क्रोधित हो जाती है, कहती है अरे हम कृष्ण को तुझसे अच्छा जानते हैं, कृष्ण कभी ऐसे वचन बोल ही नहीं सकते। निश्चित रूप से इसने हमारी जो सखी वहाँ पे गई है उसको बंदी बना लिया है, अब इसको भी तुम बंदी बना लो। तो राधा जी की जो दासियाँ हैं
उनके कुछ बड़े छोटे छोटे पुत्र हैं, बालक हैं, उन बालकों को बुलाया और मधुमंगल को बंदी बना के एक सखी वेश सजा दिया। मधुमंगल को मानो गोपी बना दिया, मधुमंगल अब गोपी बन चुके हैं। और उसके बाद उसको बिल्कुल अपने सबसे आगे खड़ा कर दिया सेनापति के रूप में। अब जब मधुमंगल को आगे खड़ा कर दिया तो उधर कृष्ण के सखा मधुमंगल को देख के हंसते हुए ताली मार रहे हैं कि देखो देखो इसको तो एक स्त्री सजा दिया, इसको तो गोपी के पूरे वस्त्र बना दिए हैं, पूरे अलंकार सजा दिए हैं गोपियों के, और बड़ा हंस रहे हैं। अब उतने में ही फिर कृष्ण के सखा क्या करते हैं, कृष्ण के जो दास हैं उनकी भी छोटी छोटी कन्याएं हैं, उनको बुला के इस सखी को अब गोप बना देते हैं और इसको भी अपना सेनापति के रूप में सबसे आगे खड़ा कर देते हैं। अब एक तरफ मधुमंगल खड़े हैं गोपी बनके और एक तरफ राधा जी की सखी खड़ी है गोप बनके, और गोपियां बड़ा हंस रही है। ये बड़ी ही प्रेम की सुंदर लीलाएं हैं। अब उसके बाद दोनों फिर आपस में क्या करते हैं, दोनों बोलते हैं कि चलो अब युद्ध हो जाए। तो दोनों एक तरफ से भागते हैं, इधर से गोपियां इधर से गोप, और उनके बीच में फिर बड़ा ही सुंदर प्रेम का युद्ध होता है। कैसा युद्ध होता है बताया, इसमें अस्त्र क्या है बताया, होली की लीला में अस्त्र है पिचकारियां, जल, रंग, गुलाल, और राधा जी के जो दो नयन है मानो वो दो नयन ही दो बाण है। राधा जी की जो भ्रूकुटी है मानो वो क्या है, वो धनुष का कार्य कर रही है। राधा जी के जो कर्ण में कुंडल है वो दो कुंडल मानो दो चक्र का कार्य कर रहे हैं। राधा जी के जो केश है मानो वो पाश का कार्य, अस्त्र का कार्य कर रहे हैं। राधा जी की जो नासिका है, कहते हैं राधा जी की नासिका मानो एक छुरी का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उन गोपियों और कृष्ण के अंदर फिर ये होली की लीला हुई है, जिसके अंदर कहते हैं ये रंग कैसा है, ये रंग ऐसा है जो एक बारी चढ़ जाए तो कभी उतरता नहीं है, ये है श्याम रूपी रंग, यानी कि कृष्ण भक्ति का रंग। इस जगत की जो होली है वो कैसा है, आज रंग चढ़ता है कल उतर जाता है, वो वास्तविक में होली नहीं है। वास्तविक होली तो ब्रज की होली है, जिसको एक बारी ये रंग चढ़ जाए, उतराए ना उतरे, फिर उतरने से भी वो उतरता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि देखो जो राधा जी हैं, राधा जी जो हैं, कृष्ण राधा जी को बोलते हैं कि देखो राधे तुम अंदर से काली हो, मैं बाहर से काला हूं लेकिन अंदर से गोरा हूं। कैसे, क्योंकि राधा जी बाहर से तो गोरी है लेकिन अंदर से वो कृष्ण का चिंतन करती है, तो उनके मन में बैठे हैं कृष्ण, और कृष्ण है श्याम वर्ण के। और कृष्ण कहते हैं राधे मैं निरंतर तुम्हारा चिंतन करता हूँ, इसलिए मैं अंदर से कैसा हूँ, मैं अंदर से गोरा हूँ क्योंकि मेरे हृदय में तुम बैठी हो। अब राधा जी कृष्ण, राधा जी के अंदर बाहर दोनों कृष्ण है, अंदर तो कृष्ण है बाहर कैसे, राधा जी नील वसन परिधान, राधा जी नील वस्त्र धारण करती है। क्यों, ये जो नील वस्त्र है ये कृष्ण की अंग कांति है, तो राधा जी कृष्ण की अंग कांति यानी कि कृष्ण का जो वर्ण है श्याम वर्ण, उसी श्याम वर्ण की ही वस्त्रों को धारण करती है। तो मानो बाहर भी श्याम की स्फूर्ति और अंदर भी श्याम का ही स्फूर्ति होती है। और जो कृष्ण है, कृष्ण अंदर तो राधा जी को अपने हृदय में धारण करते हैं और बाहर क्या करते हैं, पीत वसन धारण करते हैं, यानी कि पीला वस्त्र धारण करते हैं। क्यों, क्योंकि पीला रंग जो है वो राधा जी का रंग है, राधा जी का गौर वर्ण है, तो वही गौर वर्ण के जो वस्त्र है कृष्ण धारण करते हैं। तो ये रंग हमें चाहिए, कौन सा रंग, हमें कृष्ण भक्ति रूपी रंग चाहिए। जब तक हमें कृष्ण भक्ति रूपी रंग नहीं मिलेगा, इस संसार का रंग तो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, वो रंग कैसा है, वो रंग है दुख प्रदान करने वाला। कैसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो इस संसार के जो गंदे रंग हमारे ऊपर चढ़े पड़े हैं, जो हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण कराते रहते हैं, कभू स्वर्ग उठाए कभू नरक डुबाए, कभी स्वर्ग में उठा देते हैं तो कभी नरक में डुबा देते हैं, कभू राजा कभू प्रजा कभू शूद्र कभी कीट, हम इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं क्योंकि ये काम क्रोध रूपी रंग हमारे ऊपर चढ़े हैं। तो जब हम ब्रज रज में आते हैं, इस रज से हम क्या प्रार्थना करते हैं, हम इस रज से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर ये ब्रज रंग चढ़ जाए। जिसके ऊपर ब्रज का रंग चढ़ जाता है उसी को ही फिर ठाकुर जी की उन लीलाओं के दर्शन होते हैं और वो ही ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे विश्वम वर पर कमलम, कंदित कलियुग जनमल समलम, विश्वम वर पर कमलम। वंदे विश्वम वर पर कमलम, करुणा कांदित विरह वितापम, वंदे विश्वम वर पर कमलम।